पिछले वीडियो में हमने उद्विकासवादी सिद्धांत और नव उद्विकासवादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे प्रसारवादी संप्रदाय या प्रसारवादी सिद्धांत, संस्कृति के विकास में प्रसार कैसे कार्य करता है, उसको लेकर के उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उद्विकास के सिद्धांत की आलोचना के साथ ही यह संप्रदाय उदय हुआ। इनका मानना था कि मानव में अनुकरण करने और उसको ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। जब दो संस्कृतियों में संपर्क होता है तब उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और यहीं से प्रसार प्रारंभ होता है। क्योंकि उद्विकास का सिद्धांत हम देखें तो उन्होंने एक मार्गी सिद्धांत मानसिक एकता की बात कही थी, स्वतंत्र आविष्कार को उन्होंने स्वीकार नहीं करा था, तो उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और उन्होंने कहा था कि विभिन्न संस्कृतियों में जब हम सांस्कृतिक तत्वों की समानता देखते हैं तो वह प्रसार न हो प्रसार है न कि स्वतंत्र आविष्कार की बात है। क्योंकि मानव जो है उसने संस्कृति का जो विकास किया है, निर्माण किया है, वह अनुकरण करने की क्षमता और उसकी चीज़ों को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और उसने कहा कि प्रसार के माध्यम से ही यह संभव हो सकता है। प्रसार को परिभाषित करते हुए मेरिल और एल्ड्रिच कहते हैं, जब संस्कृति के भौतिक और अभौतिक तत्वों का उसी समाज में अथवा अन्य समाज में फैलाव होता है तो उसे प्रसार कहते हैं। अर्थात सांस्कृतिक तत्व उसी समाज में भी फैल रहे हैं, क्योंकि समाज बहुत वृहद रूप में हम देखते हैं, तो अगर वह उसी रूप में फैल रहे हैं तो भी हम कहते हैं कि वह प्रसारित हो रहे हैं, और दूसरे समाज के अंदर फैल रहे हैं तो वह प्रसार है ही। इसी आधार पर मजूमदार और मदान ने भी इसको परिभाषित किया है। उसमें हम कहते हैं एक ऐसा सांस्कृतिक प्रेषण को जो सांस्कृतिक वृद्धि और सांस्कृतिक सादृश्यों में सहायक हो प्रसार कहलाता है। अर्थात संस्कृति में आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, सांस्कृतिक तत्वों में वृद्धि हो रही है, सांस्कृतिक समानताएं उनमें नज़र आ रही है, तो इसका कारण प्रसार है और उसी आधार पर उन्होंने उसे परिभाषित किया है। क्रोबर कहते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को या संस्कृति के एक भाग से दूसरे भाग को सांस्कृतिक उपकरणों का स्थानांतरण ही प्रसार कहलाता है। अर्थात क्रोबर जो परिभाषित कर रहे हैं वह मुख्य रूप से अभौतिक तत्वों के ऊपर अधिक जोर दे रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार की जो सांस्कृतिक तत्व हैं वह प्रसारित होते हैं। अब हम देखें प्रसार क्यों होता है, क्या कारण है कि प्रसार हो रहा है। तो हम कहते हैं पहली बात, सांस्कृतिक तत्वों में गतिशीलता पाई जाती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, आपस में मूवमेंट उनका होता रहता है, तो हम कहते हैं गतिशीलता है, इसलिए प्रसार संभव है। दूसरी बात हम कह रहे हैं सीखने की क्रिया, अर्थात मानव में चीज़ों को सीखने और उन्हें ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। जब वह एक चीज़ सीखता है तो दूसरी संस्कृति में जब वह जाता है तो वहाँ पर वह दूसरे लोग जो हैं वह भी उस चीज़ों को सीखते हैं और उनकी संस्कृति के अंतर्गत वह सांस्कृतिक तत्व फैलना प्रारंभ होता है। तीसरी बात हम कह रहे हैं आविष्कार के बाद ग्रहण करना सरल, अर्थात किसी भी संस्कृति में किसी अन्य सांस्कृतिक तत्व का आविष्कार हुआ है, खोज हुई है, तो उसकी उपयोगिता वहाँ पर सिद्ध हो जाती है, तो दूसरी संस्कृति के लोग आसानी से उसे ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए भी हम देखते हैं कि प्रसार होता है। उसके बाद संपर्क, संपर्क प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष दोनों ही माध्यम से प्रसार देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष है तो प्रसार की संभावनाएं बहुत अधिक है और अप्रत्यक्ष है तो प्रसार धीमी गति से होगा लेकिन प्रसार वहां पर होगा। युद्ध, हम देखते हैं कि कई बार दो देशों के मध्य में युद्ध हो जाता है तो युद्ध के कारण भी हम देखते हैं कि दो भिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में, विजयी पक्ष जो होता है वह हारा हुआ जो पक्ष होता है उसके ऊपर अपनी संस्कृति को
लादता है या थोपने का कार्य करता है, या जीता हुआ पक्ष अपने यहाँ पर हारे हुए पक्ष के जो लोग होते हैं वहाँ से लोगों को अपराधी के रूप में या बंदी के रूप में लेकर के आते हैं। तो वहाँ पर वो जब आते हैं तो उस दूसरी संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व भी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो युद्ध भी प्रसार का एक साधन है। व्यापार, अलग अलग समूहों के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो उनकी भी जो संस्कृति है उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और फिर उसी के आधार पर हम उसे अपनी संस्कृति के साथ में या अपनी संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ में लागू करने का कार्य करते हैं। साहित्य, साहित्य एक जगह से दूसरी जगह पर पढ़ने के रूप में, लिखित रूप में जाता है। जिस साहित्य, अलग अलग साहित्यकार जो हैं वो अलग अलग संस्कृति से जुड़े होते हैं, और जब वह लेखन करते हैं तो कहीं ना कहीं पर अपनी संस्कृति का जुड़ाव जो होता है वह उनके लेखन में नज़र आता है, और जब दूसरे लोग उनके उस लेखन को पढ़ते हैं तो सांस्कृतिक तत्वों का विकास या फैलाव वहाँ पर होता है। यातायात और संचार के साधन, प्राचीन काल में ये साधन बहुत सीमित थे तो सांस्कृतिक तत्वों का फैलाव भी कम, सीमित क्षेत्र तक होता, लेकिन वर्तमान समय में यातायात और संचार के साधन बहुत अधिक विकसित हैं तो सांस्कृतिक तत्वों का फैलाव भी बहुत विस्तृत क्षेत्र तक देखा जाता है और तीव्र गति के साथ में देखा जाता है। यातायात और संचार के साधन हैं तो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और कार्यों को करते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर वह फैलाव दिखाई देता है। नेक्स्ट, विवाह। कुछ समूह हैं जो अपने ही समूह के अंतर्गत विवाह करते हैं, अपने ही समूह से जीवन साथी का चुनाव करते हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जहाँ पर बहिर्विवाह, अपने समूह से बाहर विवाह करने की प्रथा है। जब अपने समूह से बाहर विवाह करते हैं तो जो भिन्न समूह हैं उसकी संस्कृति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता वहाँ पर दिखाई देती है, और जब भिन्न समूह का व्यक्ति उनके समूह में आता है विवाह करके तो हम देखते हैं कि वह अपने साथ जो सांस्कृतिक तत्वों को लेकर के आता है वह उस संस्कृति में भी फैलते हैं, तो हम कहते हैं विवाह के माध्यम से भी सांस्कृतिक तत्वों का प्रसार होता है। प्रसार की विशेषताओं को हम बात करते हैं अब, तो हम कहते हैं कि कोई भी समूह दूसरे समूह की संस्कृति को तभी अपनाएगा जब वह उसके लिए उपयोगी हो। अगर उसे लगता है कि ये सांस्कृतिक तत्व उसकी संस्कृति के लिए उपयोगी नहीं हैं तो वह उन सांस्कृतिक तत्वों को नहीं अपनाएगा। दूसरी बात हम कह सकते हैं, प्रसार के दौरान सांस्कृतिक तत्वों में परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है ताकि वे नवीन परिस्थिति के अनुरूप या नवीन पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को बना सकें। तीसरी बात हम कहते हैं, प्रसार सामान्यतः उच्च या विकसित संस्कृति से निम्न या अविकसित संस्कृति की ओर होता है। चौथी बात हम कहते हैं, प्रसार के कारण कभी कभी ग्रहण करने वाले समूह में काफ़ी हलचल होती है और परिवर्तन दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब आपके ऊपर दूसरी संस्कृति को थोपा जाता है तो आप उसे अस्वीकार करते, उससे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जब सांस्कृतिक तत्वों को आप स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं तो वह शांतिपूर्ण ढंग के साथ में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रसार के अंतर्गत कभी कोई समस्या नहीं आती, प्रसार के दौरान समस्याएं रही हैं और प्राचीन काल में ये समस्या ज़्यादा थी। यातायात और संचार के साधनों का अभाव था, आवागमन के साधन विकसित नहीं थे, संचार के साधन जैसे आज मौजूद हैं उस तरह मौजूद नहीं थे, तो सांस्कृतिक तत्वों का जो प्रसार था वह बहुत अधिक नहीं होता था। उसके बाद समुद्र आ जाए, रेगिस्तान आ गया, पहाड़ी इलाके आ गए, दलदल आ गए, तो यातायात के साधन नहीं है तो इन्हें क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। एक व्यक्ति दूसरे क्षेत्र तक जाने में बहुत अधिक कठिनाई थी, तो सांस्कृतिक तत्व भी एक निश्चित सीमा के आगे फैलाव वहाँ पर हम नहीं देखते हैं। तो यह स्थिति जो थी, विशेषताएँ और समस्याएँ जो प्रसार के दौरान आती हैं उनकी हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि प्रसार
कहाँ से प्रारंभ हुआ, अर्थात संस्कृति का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ और उसके बाद प्रसार प्रारंभ हुआ, तो ये कहाँ से हुआ इस बात को लेकर के मानव शास्त्रियों में तीन संप्रदाय अलग अलग विकसित हुए हैं। पहला है ब्रिटिश संप्रदाय या पान इजिप्शियन संप्रदाय। ब्रिटिश संप्रदाय या पान इजिप्शियन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो समर्थक हैं और इसके जो संस्थापक हैं दोनों ही ब्रिटेन के नागरिक थे, इसलिए ब्रिटिश संप्रदाय और दोनों ही में ही संस्कृति का उदय जो है वह मिश्र को माना है, इसलिए पान इजिप्शियन संप्रदाय। दूसरा है जर्मन संप्रदाय या कल्चर क्रीज। जर्मन संप्रदाय संस्थापक और समर्थक जर्मनी के निवासी हैं, इसलिए हम इसको जर्मन संप्रदाय कहकर संबोधित करते हैं। और तीसरा है अमेरिकन संप्रदाय। संस्थापक और समर्थक अमेरिका के निवासी हैं, इसलिए यह इस आधार पर देखा जाता है। सबसे पहले देखें ब्रिटिश या पान इजिप्शियन संप्रदाय। यह संप्रदाय सबसे बाद में अस्तित्व में आया और वर्तमान समय में यह लुप्त प्राय है, अर्थात समाप्ति की कगार के ऊपर है। इसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि लोग इनकी कही हुई बात से सहमत नहीं हैं। इस संप्रदाय के समर्थक एलियट स्मिथ हैं और समर्थक डब्ल्यू जे पेरी हैं। एलियट स्मिथ जो हैं वह अपने अध्ययन व अनुसंधान कार्य के लिए लंबे समय तक मिश्र में रहे और मिश्र में रहते हुए उन्होंने अपनी दो पुस्तकें लिखी, एशियंट इजिप्शियन और द माइग्रेशन ऑफ अर्ली कल्चर। इन पुस्तकों के अंतर्गत ही उन्होंने मिश्र को संस्कृति का केंद्र माना और बताया कि यहीं से संस्कृति का प्रसार हुआ। भारत, अफ्रीका, अमेरिका और पॉलिनेशिया में संस्कृति यहीं से प्रसारित हुई। मिश्र में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व संस्कृति का उदय हुआ। उनका मानना था कि किसी भी संस्कृति को फलने फूलने के लिए जो वातावरण चाहिए वह मिश्र में मौजूद था और इसीलिए संस्कृति यहाँ पर विकसित हुई और यहाँ से दूसरी जगह पर इसका प्रसार हुआ। डब्ल्यू जे पेरी भी मिश्र को ही संस्कृति का केंद्र मानते हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी द चिल्ड्रन ऑफ सन, इसमें उन्होंने कहा कि लोगों में यह विश्वास है कि शासक सूर्य से अवतरित होता है और यह देन जो है वह मिश्रवासियों की है। मिश्रवासियों को उन्होंने सूर्यपुत्र कहकर संबोधित किया। विश्व में स्वर्ण, मोतियों, पिरामिड को अत्यधिक महत्व देना भी मिश्र में से ही प्रारंभ हुआ क्योंकि मिश्र में इनकी बहुत अधिक महत्व इनको वहाँ पर दिया जा रहा था और यहीं से यह दूसरे देशों में प्रसारित हुए हैं। तो इस संप्रदाय के जो समर्थक और संस्थापक रहे उन दोनों ने किसी भी प्रकार से स्वतंत्र आविष्कार को महत्व नहीं दिया और आलोचकों का कहना है कि स्वतंत्र आविष्कार को महत्व न देना अनुचित है और दोनों के ही विचार आलोचकों को पक्षपातपूर्ण लगते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक मिश्र में रहे इसलिए इन्हें मिश्र ही संस्कृति का उद्भव स्थल दिखाई देता है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरा संप्रदाय जर्मन प्रसारवादी संप्रदाय। इसके संस्थापक श्मिट हैं और समर्थक एंकरमैन, फॉय और ग्रेबनर हैं। इनका मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का एक सांस्कृतिक घेरा होता है, उसके लिए उन्होंने जर्मन शब्द कल्चर क्रीज को काम में लिया। इनके अनुसार प्रत्येक संस्कृति के प्रसार का भी एक घेरा होता है जिसे हम ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर जान सकते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर संस्कृति का उदय हुआ है और फिर दूसरे स्थान पर उनका प्रसार हुआ है। अतः हम देखें तो प्रसारवादी संप्रदाय जो है वह प्रसार और उद्विकास दोनों के संगम की बात करता है कि अलग अलग संस्कृतियाँ विकसित हुई
और फिर वह अलग अलग जगह पर फैलना प्रारंभ हुई हैं। ग्रैबनर ने सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार को ज्ञात करने की दो विधियों का उल्लेख किया जिसे हम स्वरूप और संख्या के आधार पर देखते हैं। जितनी अधिक समानता होगी उतने ही अधिक प्रसार की संभावना वहाँ पर दिखाई देगी। तीसरा संप्रदाय है अमेरिकन संप्रदाय, जिसे क्लार्क विस्लर और फ्रेंच बोआज दोनों ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने यह बताया कि प्रसार क्यों होता है। इन्होंने सांस्कृतिक तत्वों की व्याख्या करके उनके मिलन और आत्मसात का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। बोआस ने उत्तरी अमेरिका को विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त किया और वहाँ की खाद्य सामग्री, धर्म, भाषा, कला आदि का अध्ययन किया और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होने वाले प्रसार का उल्लेख किया। क्लार्क विस्लर ने भी फ्रेंच बोआस की पद्धति को अपनाया। विस्लर की मान्यता है कि विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों का जन्म उस संस्कृति के केंद्र में होता है और धीरे धीरे यह बाहर की ओर फैलने लगते हैं। प्रसार के दौरान सांस्कृतिक तत्व पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अभौतिक तत्व हैं, उनमें परिवर्तन ज़्यादा होगा और परिवर्तन कम होगा अभौतिक तत्वों में, और भौतिक तत्व हैं तो परिवर्तन ज़्यादा दिखाई देगा। जब ये तत्व प्रसार के दौरान सीमा पर पहुँचते हैं, उस सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमा तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पर नवीन संस्कृति का प्रभाव भी उन पर पड़ता है और उस क्षेत्र में उन दोनों ही संस्कृतियों का मिश्रण हमें दिखाई देता है, जिसको उन्होंने सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र कह करके संबोधित किया है। तो प्रसार के माध्यम से ही यह संभव है कि दो अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति एक साथ हमको दिखाई देती है, उनके जो मूल सांस्कृतिक तत्व हैं वह दोनों जगह हमको एक साथ दिखाई देते हैं। तो यह है आपका प्रसारवादी संप्रदाय या संस्कृति का प्रसारवादी सिद्धांत। आगे के जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे संस्कृति का प्रसंस्कृतिकरण का सिद्धांत और नवाचार का सिद्धांत।